नमस्कार, आज हम एक खास चर्चा करना चाहते हैं जो जिसके बारे में कई वर्षों से, कई दशकों से एक डिबेट रहा है कि इस देश को कौन चलाता है। कई लोग मानते हैं कि देश को पॉलिटिशियन चलाता है, राजनेता चलाता है। कुछ और लोग मानते हैं कि देश को हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, जो नौकरशाही जिसे कहते हैं, और ब्यूरोक्रेट्स वो जो स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा जिन्हें कहते हैं, जो वो चलाते हैं, वो ढांचा जो है, क्योंकि सार्वजनिक जो सेवाएं हैं गरीबों के को पहुंचाने के लिए और पब्लिक रिसोर्सेज जिसे कहते हैं, संसाधन जो आम आदमी के लिए जो देश के जो रिसोर्सेज से पहुंचाया जाता है, वो उसमें सब एक ब्यूरोक्रेट्स का एक बहुत अहम रोल रहा है, शुरू से रहा है, जवाहरलाल नेहरू के टाइम से रहा है। उन्होंने ही एक बहुत बड़ा एक सिविल सर्विसेज का, हालांकि अंग्रेज़ों के टाइम से चला आ रहा है, मगर नेहरू जी ने उनको एक खास एक नया एक स्ट्रक्चर दिया, उसके बाद तब से चला आ रहा है। ये हमारे एक ट्रेडिशन रही है ब्यूरोक्रेसी की। तो इसमें एक नई किताब आई है और उस किताब का नाम है व्हाट एल्स द IAS एंड व्हाई इट फेल्स टू डिलीवर। सो ये क्या जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, जो हमारा जो पूरा ढांचा है, इसमें क्या खामियां हैं और इसमें ये क्यों नहीं पूरी तरह गरीबों को डिलीवर कर पाता है, जो सार्वजनिक सेवाएं, जो पब्लिक सर्विसेज जिसे कहते हैं, और वेलफेयर प्रोग्राम्स वगैरह। तो इसके खास जो इसके ऑथर हैं, लेखक आज हमारे साथ हैं। वेलकम टू आवर शो मिस्टर नरेश चंद्र सक्सेना। नरेश सक्सेना जी बड़े जाने माने ब्यूरोक्रेट रहे हैं और बहुत ही इनका वाइड एक्सपीरियंस रहा है हर एक एरिया में। इन्होंने रूरल डेवलपमेंट सेक्रेटरी भी रहे हैं, यूपी काडर से आते हैं, और 1960s में इन्होंने ज्वाइन किया था ब्यूरोक्रेसी, और उसके बाद इन्होंने इंदिरा गांधी, मेरे ख्याल उससे पहले भी आपने शास्त्री जी के वक्त भी काम, जी हाँ शास्त्री जी थे, लाल बहादुर शास्त्री के टाइम से। तो इन्होंने कई प्रधानमंत्रियों को देखा है और कई सरकारों को देखा है, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, बाद में और भी जो सरकारें आई हैं उसके बाद, जो कोलिशन गवर्नमेंट्स, नरसिम्हा राव, वाजपेयी जी, और रिटायर होने के बाद 2002 में, उसके बाद भी काफ़ी जो खासकर एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स, गरीबों को राहत दिलाने वाली सारी जो स्कीमें हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की अपॉइंट की हुई किसी कमिटी में होते हुए या यूनाइटेड नेशंस के कई को के प्रोग्राम्स में एडवाइज़र के तौर पे, इनका खासा इनका तजुर्बा रहा है। तो नरेश चंद्र जी, बताएं आपने ये किताब क्यों लिखी? देखिए, इस किताब को लिखने के दो मुख्य उद्देश्य रहे हैं। एक तो ये कि मैं चाहता था कि IAS का एक क्या खाका है, क्या पिछले 50 साल में परिवर्तन हुए हैं, और जैसे आपने कहा कि कौन चलाता है देश, ये ज़रूर है कि अगर आप देखें 50 के दशक में, 60 में, 70 तक देश को चलाने में IAS अधिकारियों की बड़ी भारी भूमिका थी। हल्के हल्के उनके ऊपर कंट्रोल पॉलिटिशियंस का बढ़ता चला गया, जिसकी वजह से अब ये कह सकते हैं कि दोनों ही साथ साथ चला रहे हैं। कुछ मामलों में अगर फेलियर है तो IAS अधिकारी जिम्मेदार हैं और कुछ में पॉलिटिशियंस, और जनता के लिए तो अधिकारी या कर्मचारी वर्ग ही बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, चाहे वो पुलिस का थानेदार हो या हमारा स्कूल का टीचर हो या आंगनवाड़ी वर्कर हो, उन्हीं से उनका कॉन्टैक्ट रहता है। तो एक तो ध्येय ये था कि पूरे हम IAS की को डिस्क्राइब करें कि क्या वो पॉलिटिशियंस की बात मानते हैं या कोई एथिक्स फॉलो करते हैं या मैनिपुलेट करते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा कारण ये था, जिसमें काफ़ी चैप्टर्स हैं, कि क्या बात है, IAS अधिकारी आते हैं, 10 लाख लोग बैठते हैं UPSC के इम्तहान में, 200 लोग टॉप के लोग आते हैं इसमें, बहुत ही ब्राइट हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, कॉम्पिटेंट हैं, हार्ड वर्किंग भी हैं, और बहुत अधिक अभी भी ऑनेस्टी काफ़ी लोगों में है, 50 से 60%, 70% लोग कह सकते हैं ऑनेस्ट हैं। फिर भी क्या बात है कि जितने भी सोशल सेक्टर प्रोग्राम्स हैं, चाहे वो एजुकेशन हो, हेल्थ हो, न्यूट्रिशन हो, पावर्टी रेडिकेशन हो, हंगर हो, इन सब में भारतवर्ष पिछड़ा
पिछड़ते चले जा रहा है। अभी आपने देखा होगा कि कुछ दिनों पहले ही हंगर रिपोर्ट निकली है, 117 देशों में भारत का नंबर 102 है, यहाँ तक कि पाकिस्तान भी हमसे आगे निकल गया और ऐसे ऐसे देश, जबकि हम अपने आप को एक विकसित देशों के जी हाँ कहते हैं, करीब जाते हुए मानते हैं अपने पाकिस्तान को एक फील्ड स्टेट मानते हैं हम, लेकिन वो फील्ड स्टेट भी हंगर के मामले में हमसे आगे है। बांग्लादेश ने तो बहुत पहले पिछाड़ दिया था, तो जो गरीब देश हैं हिंदुस्तान से गरीब हैं, बांग्लादेश हुआ, वियतनाम हुआ, वो भी आगे हैं। तो एक कारण ये किताब को लिखने का एक उद्देश्य ये था कि हम बताएं कि क्या वजह है जिसकी वजह से हम मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स MDG गोल्स में पिछड़ गए, हंगर में पिछड़ गए, जेंडर में पिछड़ गए, इन सब में और क्या हो सकता है, और IAS अधिकारियों की क्या कमियां हैं, महिलाओं के जो अधिकार है उसमें पिछड़े हुए हैं। अभी तक महिलाओं का जो रोजगार की संख्या गिरती चली जा रही है, महिला और बच्चों के जो हेल्थ जी। तो ये सारा हमने इसकी एनालिसिस की है कि कहाँ हम कह सकते हैं कि सिस्टमिक फेलियर्स कहाँ हैं, कि आप तो बहुत इंटेलिजेंट हैं, तो अगर बहुत इंटेलिजेंट हैं तो क्यों नहीं आप सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते, क्यों नहीं आपके लैंड रिकॉर्ड्स अच्छी हालत में, क्यों नहीं आप समय देख सकते हैं कि जो टीचर है या हेल्थ वर्कर है वो अपनी जगह रहे काम करे, एब्सेंटिज्म क्यों इतनी अधिक है, और जो इस तरह से हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की सिस्टमिक फेलियर्स हैं, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन इनपुट बेस्ड है, हम समझते हैं हम पैसा खर्च कर दिया अपने आप टॉयलेट बन जाएगा, यूज़ हो जाना शुरू हो जाएगा, हॉस्पिटल चल पड़ेंगे, प्राइमरी हेल्थ सेंटर चल पड़ेंगे, लेकिन स्कूलों में टीचर आना शुरू हो जाएंगे, आउटकम्स को मेजर नहीं करते हम, और जो रिपोर्ट्स भेजते हैं नीचे से उसमें बहुत सारी कमियां होती हैं, बहुत सारे वो सब फैक्टर्स जिनके बारे में शायद बाहर की बाहरी जनता को उतना ज्ञान ना हो, उन फैक्टर्स की एनालिसिस की गई है। तो IAS का जनरल खाका और सोशल सेक्टर में फेलियर्स के कारण इसमें एनालिसिस की गई है और उनके निदान बताए गए हैं क्या क्या हम करें इसकी वजह से हमारे सोशल सेक्टर में प्रोग्रेस अच्छी हो। तो इसमें नरेश जी, आप, मैंने आपकी किताब में देखा है कि आप पॉलिटिक्स, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, जो पॉलिटिक्स में जिस तरह भ्रष्टाचार जो एकदम सन 1900, खासकर आप एक पीरियड की बात करें सन 70 से सन 90 तक, मेरे ख्याल उसमें जिस तरह का जो उस दौरान, उसमें इंदिरा गांधी जी का भी, इंदिरा गांधी भी थी प्राइम मिनिस्टर और भी बाद में कोलिशन पॉलिटिक्स भी आया, तो उस दौरान जो ब्यूरोक्रेसी, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स और पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी, उसके बारे में आपने इसमें काफ़ी चर्चा की है और उसमें तो आप एक निष्कर्ष में आप पहुंचते हैं कि कहीं पे शायद जो अफसर जो हैं वो जैसे आपने कहा 10 में से 6 अफसर आज भी ऑनेस्ट हैं और ईमानदार हैं, मगर उनके ईमानदार होने के बावजूद जो सिस्टम में जो जिस तरह डिलीवरी, वेलफेयर की डिलीवरी होनी चाहिए वो हुई नहीं है जी। तो इसमें पॉलिटिशियन का भी रोल रहा है। आपने एक जगह आपने बताया कि मुलायम सिंह यादव के किसी अफसर ने पाँव छुए तो मुलायम ने उस कहा उससे कि अगर आप मेरे पाँव छुओगे तो मैं कल आपसे अपने काम निकलवाऊँगा। तो आप एक किस्म से मुलायम सिंह ने एक मजाक में शायद कहा हो, मगर एक सीरियस बात भी कही उनसे। तो क्या लगता है आपको, मतलब कहाँ पे ब्यूरोक्रेसी कहाँ पिछड़ा है? ऐसा हुआ है कि पहले जो सीनियर अफसर थे, चाहे वो कलेक्टर हो, कमिश्नर हो, उनका फील्ड ऑफिशल्स पर पूरा कंट्रोल था। तो जो थानेदार है, टीचर है, तहसीलदार है, वो समझता था हमारे बॉस कलेक्टर हैं, हमारे बॉस हमारे ऊपर के अधिकारी हैं। पॉलिटिसाइजेशन की वजह से हुआ ये है कि अब वो समझते हैं कि अगर हमको इसी जगह पर रहना है और पैसा बनाना है तो कलेक्टर से ज़्यादा ये ज़रूरी है कि MLA को खुश रखें। ये भी देखा गया है कि एक स्टडी में पाया गया कि जिन अधिकारियों को ब्लॉक स्तर पर रहना चाहिए वो शहर पर भी नहीं बल्कि बड़े बड़े शहर में, कानपुर में, लखनऊ में रहते हैं, उन्हें काम करना है खेरी में के गांव में, सीतापुर के गांव में। तो इसी वजह से होता है कि उन्हें लगता है कि पॉलिटिशियंस को हमने खुश किया हुआ है। तो एक बात तो ये हुई है कि पॉलिटिशियंस का कंट्रोल बहुत बढ़ गया लोअर ऑफिशियल्स पर और सीनियर ऑफिशियल्स। क्यों बढ़ा है, इसका क्या कारण? इसका कारण ये है कि पॉलिटिशियंस तो चाहते हैं हमको इमीडिएट फ़ायदा हो, तो स्टेट को एक तरह से वो समझते हैं कि हम इससे क्या
जल्दी से जल्दी कहाँ से पैसा मिल सकता है। पैसा देने वाले हैं तहसीलदार, पैसा देने वाले हैं थानेदार, तो एक क्विड प्रो को बन जाता है, सिस्टम बन गया है कि भाई मैं आपको पैसा खिलाऊंगा, मैं सप्लाई ऑफिसर हूँ, मैं आप पैसा खिलाऊंगा, आप मुझको पैसा खाने दीजिए। जो पैसा लोगों तक पहुँचना होता है जी जी जी, वो उस वो कहीं एक पॉलिटिकल सिस्टम में चले जाता है। तो एक बात तो ये हुई कि अधिकारियों का कंट्रोल लोअर ऑफिसर कम हो गया, दूसरी बात ये भी हुई कॉन्ट्रैक्टर्स भी कम हो गया, कॉन्ट्रैक्टर जो सरकारी कॉन्ट्रैक्ट उठाते हैं जी जी। दूसरी बात ये भी हुई कि क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर पॉलिटिशियन से सीधे ही उसको प्रोटेक्शन जी जी, आईएएस अधिकारियों को खुश रखने के लिए गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स में ये पॉलिसी है कि सबको प्रमोट कर देते हैं। तो आज यूपी में अगर आप जाएं तो हालत ये है कि एक चीफ सेक्रेटरी है लेकिन 18 अधिकारी ऐसे हैं जो चीफ सेक्रेटरी के रैंक में हैं, उस चीफ सेक्रेटरी के रैंक में, चीफ सेक्रेटरी रैंक में अभी तनख्वाह मिल रही है, सबको प्रमोट कर दिया, तो सबको प्रमोट कर दिया, काम नहीं है, काम नहीं है। एक कोई है चीफ सेक्रेटरी राजभाषा, एक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी प्रोटोकॉल, एक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी कुछ और इस तरह से माइनॉरिटीज वेलफेयर। तो ये सब अधिकारी फिर समझते हैं कि हम क्या करें बैठे बैठे, वो नेताओं के पीछे भागते रहते हैं। आपने ये बात सही कही कि मुलायम सिंह यादव ने एक अधिकारी की नहीं, पूरे आईएएस की जब मीटिंग हो रही थी उनके एसोसिएशन की, उनको बुलाया गया तो अपने उन्होंने स्पीच में कहा कि अरे आपको तो नोबेल प्राइज मिल सकता है, आप तो इतने अकलमंद हैं, फिर मेरे पैर क्यों छूते हैं? अगर आप मेरे पैर छुएंगे मैं समझूंगा आप गलत काम के लिए आए हैं, मैं भी आपसे गलत काम कराऊंगा। तो ये भी एक हुआ है कि सिस्टम को मैनिपुलेट करने की टेंडेंसी भी आईएएस अधिकारियों में स्टेट सेक्टर पर बढ़ रही है, तो इसकी वजह से भी जो उनका कंट्रोल होना चाहिए था वो ख़त्म हो गया है। तो जहाँ पे आप जैसे कह रहे हैं, जहाँ पे अफसरों को आईएएस को एक किस्म से उनकी उनकी लॉयल्टी हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ होती है जी, तो एक जहाँ उनको राजनेताओं को जो गलत कामों में चेक करने का का काम करना उनको था, वो अब उल्टा बढ़ गया, उनके साथ हो लिए। लेकिन साथ ही साथ ये भी आप देखेंगे कि पिछले अगर आप 40 साल का इतिहास देखें स्टेट वाइज, 1980 से लेकर मैं समझूंगा कि 2000 तक जो पॉलिटिशियंस के दिमाग में ये था कि भाई गुड पॉलिटिक्स और गुड गवर्नेंस अलग अलग चीज़ें हैं, अगर आपको पॉलिटिक्स चलानी है तो गवर्नेंस को भूल जाइए। आप देखेंगे बिहार का इसमें पूरा चैप्टर है, बिहार में लालू जी ने सोचा कि भाई पैसा वैसा खर्च करना बेकार है, आप जो है लोअर कास्ट को मोबिलाइज करो और सड़कों बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो एक बात तो ये उनका निष्कर्ष ये था कि अगर सड़कें बनाएंगे तो वो अपर कास्ट को ज़्यादा जी जी जी। ऐसे ही आप देखेंगे जिन जिन चीफ मिनिस्टर्स ने चंद्रबाबू नायडू थे ज़माने में राजस्थान गए थे, उन्होंने कोशिश की गवर्नेंस इम्प्रूव करने की, हार गए, तो उनको लगा कि क्या इलेक्शन जीतने में और गुड गवर्नेंस में कोई नहीं। लेकिन पिछले 20 वर्षों में चेंज आया है, और चेंज ये आया है कि अब मुख्यमंत्री समझते हैं, चाहे वो गुजरात का उदाहरण देखें, छत्तीसगढ़ देखें, मध्य प्रदेश देखें, उड़ीसा और बिहार देखें, सब में ये हुआ है कि अगर हमें इलेक्शन जीतना है और एंटी इनकम्बेंसी को फाइट करना है तो कुछ ना कुछ स्कीम्स ऐसी होना चाहिए, हमें डिलीवर करना पड़ेगा। इसमें ये है कि इसका मतलब ये नहीं करप्शन खत्म हो गया है, ये जो है सारे स्टेट्स में जो पहले जितना पैसा मॉडल था करप्शन में जाता था उसको कम किया जाए, लोगों की तरफ। ये तमिलनाडु मॉडल है कि कुछ वेलफेयर स्कीम्स भी चलाओ साथ साथ पैसा भी बनाओ। अब मैं छत्तीसगढ़ गया, छत्तीसगढ़ में पीडीएस बहुत अच्छा चलता है, तो मैं मुख्य सचिव से मैंने कहा कि सर आपके यहाँ तो बड़ा अच्छा पीडीएस चल रहा है, तो उन्होंने कहा हाँ हमने सारे विभागों को दो कैटेगरी में बांट दिया है, वोट का विभाग और नोट का विभाग। पीडीएस वोट का विभाग है और मिनरल डेवलपर नोट का विभाग। पीडीएस मैंने राशन, हाँ जो लोगों को राशन पहुँचाना, राशन पहुँचाना, तो वहाँ पर हर ट्राइबल गांव में आप देखेंगे 2 किलो पर एक रुपये पर किलो पर चावल मिल रहा है। साथ ही साथ जो मिनरल डेवलपमेंट होता है उसमें दो तरह के पैसे आते हैं, रेवेन्यूज आते हैं जिससे कि पीडीएस फंड होता है, और बिलो द टेबल पैसा आता है जो पॉलिटिशियन हो जाता है। तो करप्शन ख़त्म नहीं हो गया है, ये नहीं है कि पॉलिटिशियन बहुत ही ऑनेस्ट हो गए हैं, लेकिन फिर भी हर एक राज्य में कुछ प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिनमें चीफ मिनिस्टर से इंटरेस्ट लिया, चाहे वो बिजली हो पानी हो। गुजरात में आप देखेंगे, मध्य प्रदेश में गेहूं का उत्पादन 4 गुना बढ़ गया है क्योंकि उन्होंने इरिगेशन को इम्प्रूव किया। तो इस प्रकार से दोनों ही बातें हैं, करप्शन भी है और डिलीवरी भी है। अब जैसे आप जैसे आपने कहा कि पिछले करीब 15 साल से चीफ मिनिस्टर्स जो हैं थोड़े सतर्क हो गए हैं, जी जी जी, उन्हें पता है कि अब लोगों का पेशेंस
अब ख़त्म हो रहा है, अब डिलीवर करना ही है राइट। तो अभी आप पिछले 6 साल में जैसे ये मोदी सरकार में भी कई स्कीमें आई हैं, नई नई स्कीमें आई हैं, टॉयलेट्स की स्कीमें आई हैं, तो और मोदी सरकार ने ये भी कोशिश करी है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए डिलीवर करने के लिए, तो वो आप उनकी डिलीवरी को किस तरह देखेंगे? देखिए उसमें भी ना केवल सेंटर की बात कर रहा हूँ, जो स्टेट्स भी स्टेट्स की बात कर रहे हैं। स्टेट्स में आप देखेंगे कि कई स्टेट्स में अच्छा काम जरूर हुआ है, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, आसाम है, इस कई सारे स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पर बिहार में भी पिछड़ा। देखिए ऐसा है कि हम लोग समझते हैं कि सारा का सारा जो झगड़ा है या जो इशू है वो पॉलिटिशियन वर्सेस ब्यूरोक्रेट है, वो नहीं, बहुत सारे ए पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं जिनकी तरफ ध्यान नहीं गया है। आप देखेंगे बिहार में स्टडी की गई, पता चला कि आंगनवाड़ी वर्कर को हम सिर्फ साल भर में 2 बार तनख्वाह दे पाते हैं, तो फंड फ्लो बहुत ख़राब है। आप उत्तर प्रदेश की स्टडी करें, पता चलेगा कि कलेक्टर का जो टेन्योर है वो 5-6 महीने में है, तो 5-6 महीने में ट्रांसफ़र कर दो तो कहाँ से सिस्टमिक रिफॉर्म्स होंगे? तो स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर नहीं है। और दूसरी बात, तीसरी बात ये है कि हमारे सिस्टम में जो डोमेन नॉलेज होना चाहिए, अगर आप हेल्थ सेक्रेटरी हैं तो पता होना चाहिए, वो डोमेन नॉलेज नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है कि इनपुट बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन हमारा है और फंड्स का इस्तेमाल भी ठीक से नहीं होता। आपने किताब में लिखा है कि बिहार में आप फंड्स देना चाहते थे नीतीश कुमार के टाइम में भी जी, मगर वहाँ पे जो अफसरों की क्षमता नहीं थी कि उसको खर्च कर पाएँ, ठीक से टेंडरिंग कर पाएँ, जो खर्च करना भी एक उसमें भी एक सिस्टम अपनाना पड़ता है, मगर वो सिस्टम नहीं अपना पाए। मैं बताऊँ बिहार के बारे में 2 उदाहरण दूँ। एक तो ये कि नीतीश कुमार जी के ज़माने में भी बिहार गवर्नमेंट ने यूनिसेफ से कहा कि भाई हम तो पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं, आप हमारा पैसा लेकर आप खर्चा करो। तो यूनिसेफ ने कहा देखिए हम पैसा खर्च करने को तैयार हैं, लेकिन 18% हमें देना पड़ता है कमीशन कोपेनहागन को, उनके हेडक्वार्टर्स को। तो आप सोचिए कि सबसे गरीब देश प्रदेश हमारा उत्तर प्रदेश, 18% हम दे रहे हैं कोपेनहागन को, उनको यूनिसेफ को दे रहे हैं, हमारे के पैसे नहीं है। तो ये तो अफसरों का एक तरह सरेंडर हो गया, अफसरों की ये तो कमी है। दूसरी बात बताऊँ आपको कि एक स्कीम होती है ICDS जिसमें कि सुपरवाइजर्स हैं। 2011 में मैंने प्रेजेंटेशन किया नीतीश कुमार जी को कि सर आपके स्टेट में 92% वैकेंसीज हैं सुपरवाइजर्स की, अगर आप आज चाहें, सारा का सारा पैसा इसमें भारत सरकार देती है पूरी सैलरी का, आप चाहें 5,000 यंग लड़कियों को नौकरी दे सकते हैं और वो बिल भेजिए भारत सरकार को, लेकिन उनको अपॉइंट करने के लिए भी जो प्रोसीजर्स चाहिए वो डेवलप नहीं है। तो ये है कि करप्शन हर जगह है, लेकिन जो हमारे पिछड़े भी राज्य हैं, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड वगैरह है, इनमें प्रोसीजरल और सिस्टमिक बहुत खराबी है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी नहीं है, जो कि आप देखेंगे कि तमिलनाडु में है, केरल में है, कर्नाटका में। सर ये आपसे मैं कुछ खास पूछना चाहता हूँ, हिंदुस्तान में देखी गई है पिछले 40 साल से वही स्कीम जो यूपी बिहार या मध्य प्रदेश में नहीं काम करती, चाहे वो स्वास्थ्य के मामले में हो या चाहे शिक्षा या प्राइमरी हेल्थ केयर, वो स्कीमें साउथ में अच्छी चल जाती हैं, तो इसको आप इसका आकलन कैसे करेंगे? इसका देखिए एक तो बात यह है कि साउथ में स्कीम्स की मॉनिटरिंग अच्छी होती है और करप्शन वहाँ भी है, लेकिन फिर भी वो आउटकम्स को देखते रहते हैं, मॉनिटर करते हैं। और एक बात ये भी है कि उनके यहाँ जो फंड फ्लो है बहुत अच्छा है। आप नरेगा को देखें, बिहार को कंपेयर करें तमिलनाडु से, बिहार में तमिलनाडु के मुकाबले में बिहार में तमिलनाडु के मुकाबले में 6 गुना ज़्यादा रूरल पुअर हैं, लेकिन नरेगा का खर्चा तमिलनाडु में 4 गुना होता है बिहार के मुकाबले में, क्योंकि बिहार में क्षमता नहीं है खर्चा का करने की, उसका एक इलाज है क्रिएट करेगी गरीबों को असल में, आप नरेगा उसका भारत सरकार के अंदर नौकरी देगा, एक इलाज है। इलाज ये है कि नरेगा में अगर आप कह दें कि हम स्टेट को एलोकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ रूरल पुअर। मैं जब इस रूरल डेवलपमेंट सेक्रेटरी था तो मैंने स्कीम शुरू हुई थी PMGSY की, रूरल रोड्स की, और हमने कहा कि हर एक स्टेट को वो उतने पैसा मिलेगा जितने कि उनके यहाँ पर अनकनेक्टेड रूरल हैबिटेशन हैं, उनके हिसाब से पैसा मिलेगा। आप देखेंगे बिहार में जो है केरल के मुकाबले में 100 गुना ज़्यादा खर्चा होता है। यही चीज़ नरेश जी, मैंने जो बिल्कुल जो आपने नरेगा की बात करी जी, कि एक पिछड़ा इलाका
जहाँ पे ज़्यादा लोग गरीब हैं वो कम पैसा का इस्तेमाल कर रहा है, और तमिलनाडु जहाँ पे एक डेवलप्ड स्टेट माना जाता है, बहुत कम गरीब है बिहार की तुलना में, और वहाँ ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। मैंने अखबार में पढ़ा था कि ये जो मोदी जी का एक नया हेल्थ नेशनल हेल्थ स्कीम है, आयुष्मान भारत, उसमें भी यही हाल है। जो 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 विकसित क्षेत्र हैं, स्टेट्स हैं, वहाँ पे ज़्यादा खर्चा हो रहा है और पिछड़े हुए इलाकों में कम हो रहा है। उसका एक कारण बताया जा रहा है कि पिछड़े इलाकों में हॉस्पिटल्स की कमी है, सप्लाई नहीं है, जैसे आप जो आप जो कह रहे थे कैपेसिटी नहीं है कि लोगों को ट्रीट करें। तो ये ऐसा होता है कि क्योंकि पिछड़े राज्यों में हॉस्पिटल्स नहीं हैं, बैंक्स नहीं हैं, और फिर जो हॉस्पिटल्स हैं भी उनको रोप इन करना, उनके एप्लीकेशन लेना और भेजना और मॉनिटर करना और ये इंश्योर करना कि पैसा उन तक पहुंच जाए, ये सब ऐसी चीज़ें हैं। जब तक हम प्रोसीजरल और सिस्टमिक रिफॉर्म्स नहीं करेंगे तब तक सिवाय पॉलिटिशियंस को ब्लेम करने से ये काफ़ी नहीं है। हमें चाहिए कि ये जो ए पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं इनकी ओर भी ध्यान दें और सिस्टम को इम्प्रूव करें। एक आपने अपनी किताब में खास एक आपके जो एक निष्कर्ष आपने निकाला है कि जो जो ब्यूरोक्रेसी है या पूरा जो नौकरशाही जो है उसका एक सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि जो जन संसाधन और जो सार्वजनिक सेवाएं जो वो सबसे गरीब आदमी तक पहुंचाया जाए। जो गांधी जी का भी एक मैसेज था अंत्योदय के तहत, तो उसमें आपने ये कहा है कि मगर जो रिकॉर्ड देखा गया है पिछले 40 साल में 50 साल में वो देखा गया है कि दलित, माइनॉरिटीज़, आदिवासी और महिला ये जो चार वर्ग है जो वीकर सेक्शन माने जाते हैं, जो इकोनॉमिकली और वैसे भी सोशली, या यहाँ तक जन संसाधन और सेवाएं पहुँचाने में ब्यूरोक्रेसी सक्सीड नहीं हुई है। ये आपका निष्कर्ष है? जी हाँ, जी हाँ। आपने बड़ी कई कोशिशें करी हैं। ऐसा जी ऐसा है कि एक तो हमारी ब्यूरोक्रेसी का बहुत फेथ नहीं है कि मार्जिनलाइज लोगों के लिए काम किया जाए, उनका फेथ मार्केट ओरिएंटेशन में अधिक है, ज़्यादा है। दूसरी बात यह है कि बहुत सारी पॉलिसीज़ ऐसी रही हैं जो कि ट्राइबल्स के विमेन के ख़िलाफ़ हैं। जैसे आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में अभी भी एक मैरिड औरत को, मैरिड लड़की को अपने बाप की ज़मीन लेने का अधिकार नहीं है, जिस पे आपने जबकि लीगल अमेंडमेंट भी करवाया, 2005 में अमेंडमेंट कराया था, हिंदू सक्सेशन एक्ट चेंज कराया हमने, हिंदू सक्सेशन एक्ट चेंज कराया, उसके बावजूद अभी भी इस पे कोई अमल नहीं हुआ। अफसोस की बात यह है कि जबकि महिलाएं फील्ड में काम करती हैं। जी जी जी, देखिए अफसोस की बात ये इस विषय पर हमारी पार्लियामेंट में, लोकसभा, राज्यसभा में एक भी सवाल नहीं पूछा जाता कि भाई हिंदू सक्सेशन एक्ट को महिलाओं के लिए क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। एक बात तो ये, आप ट्राइबल्स को देखेंगे तो चाहे फॉरेस्ट पॉलिसी हो, चाहे हमारा लैंड एक्विजिशन हो, चाहे रिहैबिलिटेशन हो, चाहे उनकी लैंड एलिनेशन हो, हर एक में पॉलिसीज उनके खिलाफ रही हैं। मैंने बहुत कोशिश की, फॉरेस्ट पॉलिसी चेंज कराई 1988 में, फिर पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एक्ट लाए, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट लाए, लेकिन फिर भी फील्ड में अभी तक यह हालत है कि उड़ीसा के एक गाँव में मैंने देखा कि औरतों को इसलिए जेल में भेज दिया गया कि उन्होंने झाड़ू कैसे अपने घर में रख ली। उस जमाने आपने अपनी किताब में, जी किताब में मैंने जिक्र किया इसका कि झाड़ू रखने के लिए क्या आप हिल ब्रूम्स को कलेक्ट कर सकते हैं लेकिन आप उसको नहीं कर सकते, क्योंकि वो झाड़ू पे पूरा स्टेट का कंट्रोल, राज्य का कंट्रोल है। जी 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 जी, तो ट्राइबल्स को अपनी ऑटोनॉमी नहीं है कि वो, जी जी जी, तो इस तरह से इस प्रकार के जो लॉज हैं, इस प्रकार के जो लॉज हैं उनको खत्म करना चाहें। मुख्यमंत्री जी जब प्लानिंग कमीशन में आए तो मैंने कहा सर आप 50 करोड़ और ले लीजिए हमसे, इस लॉ को बदलिए, तो उन्होंने उस लॉ को बदला तब जाकर वो लॉ हटाया गया। तो इस प्रकार के जो हमारी आदिवासियों को एक आर्थिक स्वराज का एक मौका दिया जाए। जी देखिए हमने ये कहा होना ये चाहिए कि कंसर्न फॉर द पुअर एंड फ्री मार्केट फॉर द रिच, नहीं सिस्टम ये है कि इंडिफरेंस टू द पुअर एंड कंट्रोल्स ओवर द रिच सो दैट वी कैन एक्सट्रैक्ट रेंट्स, ये बड़ी गलत बात है। हमें देखना चाहिए कैसे स्ट्रीट वेंडर्स हैं, रिक्शा पुलर्स हैं, इनको क्या क्या हम और सुविधाएं दें, कौन कौन से लॉज चेंज करें जिससे कि इनको जो रिश्वतें देनी पड़ती हैं उन्हें देनी पड़े। क्योंकि हमारे सिस्टम में नरेश जी ये भी देखा गया है कि जो जो बड़े बड़े उद्योग हैं वो तो अपना उनके लिए कोई लाइसेंस वाइसेंस सब हटा दी गई है और वो अपना जहाँ भी फैक्ट्री लगाते हैं और उनको भी सारी सुविधाएँ
मिलती हैं और इस पे पूरा जो पूरी ब्यूरोक्रेसी इस पे पूरा काम करती है। स्पेशल एक फोकस रहता है कि भाई ये बड़े उद्योग हैं, इनसे भारत का विकास होगा या जो भी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, जबकि असली एम्प्लॉयमेंट छोटे उद्योगों में होता है और छोटे खासकर जो इनफॉर्मल सेक्टर, जो इंडिविजुअल रेडी लगाने वाले, उन पे पूरी लाइसेंसिंग है, उन पे पुलिस वाला भी उनसे लेता है पैसा हफ्ता हफ्ता। और आप देखें अगर उनकी कमाई का कितना भाग जो इस तरह करप्शन में जो दिया जाता है हफ्ते पे, तो ये तो बहुत ही, आप सही कह रहे हैं। आप देखें दिल्ली में आज हालत ये है कि मैं चाहूँ 100 गाड़ियाँ खरीद सकता हूँ, हाँ कोई मुझे लाइसेंस की परमिशन की ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं रिक्शा चलाना चाहूँ तो मुझे पहले लाइसेंस लेना पड़ता है। हम लोगों ने एक लॉ पास कराया स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट, लेकिन स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट अपनी जगह रखा हुआ है, कोई एक्शन नहीं हुआ। अभी भी जो सड़कों पर बेचते हैं उनको पैसा खिलाना पड़ता है। तो इस प्रकार से हमारे जो छोटे उद्योग हैं उनमें अभी भी बहुत अधिक लाइसेंसिंग है। तमिलनाडु तक में यह हालत है कि प्रोसेपिस एक झाड़ी होती है, उसको चारकोल बनता है, उस प्रोसेपिस को चारकोल बनाने के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है। आपने अपनी किताब में एक और बड़ा एक बहुत दिलचस्प किस्से के बारे में आपने जिक्र किया है, जो वाजपेयी जी के टाइम जब आप मेरे ख्याल प्लानिंग कमीशन में थे, प्लानिंग कमीशन में था जी, तो या उससे पहले शायद आप रूरल डेवलपमेंट सेक्रेटरी थे, तब आपने आपके पास एक प्रपोजल आया जो कि एक कपाट के जरिए सरकारी फंड की एक आरएसएस संस्था को देने की बात हुई थी, एनजीओ, तो आपने उस पर ऑब्जेक्शन डाला था और ऑब्जेक्शन डाला तो आपने लिखा है कि कुछ थोड़ी नाराज़गी हुई प्राइम मिनिस्टर को, मगर वो आपकी बात उन्होंने मानी, वो बाद में उस संस्था को दिया नहीं। तो अगर आप उस वक़्त को अगर अभी से तुलना करें, आज भी ये इशू है काफ़ी आरएसएस की संस्थाओं को, अब तो इनकी पूरी मेजॉरिटी है बीजेपी की, तो फंडिंग दी जा रही है, तो आपको कैसा लगता है कि पॉलिटिकल माहौल कैसे बदला? पहले ऐसा था, पहले जैसे वाजपेयी जी मान गए आपकी बात, वाजपेयी जी के ज़माने में भी, उससे पहले भी मेरा काफ़ी झगड़ा रहा था ट्राइबल इश्यूज़ को लेकर। ज़ैल सिंह तब थे होम मिनिस्टर, ट्राइबल डेवलपमेंट मिनिस्टर थे, उनसे मैंने देखा ये कि उस ज़माने में चाहे पॉलिटिशियंस आपसे थोड़े खफा हो जाएं, लेकिन कोई ऐसा नहीं था कि बहुत आपसे बदला लें या आपको बहुत परेशान करें। तो हो सकता है कि वाजपेयी जी को थोड़ा सा बुरा लगा हो कि मैंने उनकी बात नहीं मानी, लेकिन फिर भी मैं अपनी जॉब पर रहा, 3-4 महीने और रहा, उसके बाद मेरा दिल्ली में ट्रांसफ़र हो गया। आजकल ऐसा होता तो ज़रूर उस अधिकारी को भेज दिया जाता स्टेट, और स्टेट में कह दिया जाता इसको कोई नौकरी मत दो। तो इस तरह से जो एक विंडिक्टिव टेंडेंसीज शुरू हो गई हैं, पहले नहीं थी। तो एक नरेश जी, एक सवाल आपसे और पूछ रहा था, ये जो सरकार है ये कई बार मोदी जी ने ये पब्लिकली भी बोला है कि वो काम करना चाहते हैं लोगों के लिए, मगर नौकरशाही जो है वो उनके रास्ते में अड़चने डाल रही है जी। मगर अगर आप ब्यूरोक्रेट से बात करते, वो कहते हैं कि नहीं, स्कीमें सरकार की ऐसी आती हैं जो जिसको इम्प्लीमेंट करना कई बारी या तो मुश्किल होता है या गलत स्कीमें आती हैं तो वो उसका समर्थन नहीं करते। तो हो क्या रहा है, आप भी देख रहे हैं आजकल क्या हो रहा है? दोनों में थोड़ा थोड़ी सच्चाई है। क्या सच्चाई बताएं? एक ऐसा है कि बहुत सारे प्रोग्राम्स देखेंगे आप जो कि जिनकी डिज़ाइन गलत है, हाँ, जैसे ICDS में हम चाहते हैं कि इससे मैलन्यूट्रिशन कम हो, लेकिन आप देखेंगे कि सारा का ध्यान उसका 3-5 साल आंगनवाड़ी जो उसकी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का ध्यान सारा 3-5 साल के बच्चे के लिए होता है, होना चाहिए 0-2 साल के लिए। ऐसे नरेगा हुआ स्कीम है जो हमारी अर्बन हाउसिंग स्कीम रेंटल स्कीम होना चाहिए, ओनरशिप स्कीम नहीं होना चाहिए। तो डिज़ाइन में फ्लॉ है, एक बात तो ये। दूसरी बात ये है कि स्टेट्स में, बहुत सारे स्टेट्स में प्रोसीजरल एस्पेक्ट बड़े गलत हैं, पैसा नहीं पहुंचता समय से, आउटकम को मॉनिटर नहीं करते, फर्जी रिपोर्टिंग खूब होती है। आप देखेंगे सैनिटेशन 2012 में जब सेंसस रिपोर्ट आई, मालूम पड़ा कि उत्तर प्रदेश दिखा रहा है 95% का हाउसेज में टॉयलेट है, रिपोर्ट सेंसस ने कहा 25% है। तो इस प्रकार से बहुत सारी आउटकम मेजरमेंट और गरीबों को गरीबी रेखा पे इतना डिबेट है कि अभी जैसे अभिजीत बैनर्जी जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है वो कह रहे थे कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी को न्याय जो स्कीम का जो वो दिया था उसमें भी दिक्कत ये आई थी कि डिज़ाइन की दिक्कत आई थी कि भाई
किस तरह आप 20% जो बहुत गरीब है कैसे उनको आइडेंटिफाई करेंगे जो कैश ट्रांसफर? सही कहा, आइडेंटिफिकेशन का जो मामला है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उसमें भी बहुत सारी कमियां हैं। आपने भी इस पे बहुत काम किया है। जी 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 जी, मैंने जो एक रिपोर्ट दी थी कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, भारत सरकार ने उसको पूरा माना नहीं मेरी बात को, जिसकी वजह से अभी भी देखेंगे बहुत सारे लोग जिसे कहते हैं एरर्स ऑफ इंक्लूजन एंड एरर्स ऑफ एक्सक्लूजन है, यानी कि गरीब लोग तो छूट गए हैं अमीर लोग आ गए हैं लिस्ट में, तो इस प्रकार से वो भी कमी है। तो हमें सब मिलाकर जब तक अपने हम नीति आयोग ने बड़ा अच्छा काम किया है कि उन्होंने स्टेट्स को एक रैंकिंग शुरू कर दी है, लेकिन ये कहना कि यूपी आप लास्ट हो काफ़ी नहीं है। जब तक आप यूपी को ये ना बताओ कि आप लास्ट में क्यों हो, क्या आप पैसा नहीं खर्च कर पा रहे हो, क्या आप स्कीम्स को मॉनिटर नहीं करते हो, क्या आप जो है वो फर्जी रिपोर्टिंग आपके यहाँ से आ रही, ये सब बातों में जब तक हम ध्यान नहीं देंगे तब तक उत्तर प्रदेश को बताना कि आप लास्ट हो काफ़ी नहीं है। तो बहुत ज़रूरी कि हम प्रोसेस को समझें और प्रोसीजरल रिफॉर्म जो चाहिए उनको आइडेंटिफाई करें और उन पर ज़्यादा ध्यान दें। तो शुक्रिया नरेश चंद्र जी, आप हमारे हमारे इस चर्चा में जुड़े और आपने काफ़ी आपकी किताब में मैं चाहता हूँ कि शायद इसका हिंदी अनुवाद हो तो ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। Thank you. Congratulations. Thank you. Thanks for talking to us. Thank you. Namaskar.